Oh my. Good morning, ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome back to the channel. I hope you are doing absolutely fine. और ये दूसरा दिन है, आज हम लोग निकल रहे हैं स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के लिए. और अभी हमारा पूरा सामान पैक करना है, सब बिखरा हुआ है. सुबह के बज गए हैं 6 और बाहर आपको दिखाता हूँ कितना अंधेरा है. हम लोग 6 बजे एक्चुअली निकलने वाले थे, लेकिन और हम लोग अभी आधे घंटे में यहाँ से चेकआउट कर देंगे. तो यहाँ से पैकिंग करते हैं, उसके बाद सीधा मिलते हैं बाइक पे. तो यहाँ से अभी टाइम दिखा रहा है 2 hours 55 minutes 162 किलोमीटर. तो हम लोग 10 बजे तक पहुँचेंगे, 12 बजे हमारा स्लॉट है. तो यहाँ पे हम लोग रह रहे थे विच्स में, पर्पल बेड्स. हाँ, अच्छा आपने वहाँ तक मारे ना, पूरा कंप्लीट मारे खुद ही अंकलेश्वर तक मारे? नहीं, अंकलेश्वर से अपना होटल. हाँ भाई साहब, ये था मंदिर. जय अयप्पा भगवान. तो हम लोग कुछ देर के बाद अभी गुजरात एंटर कर जाएंगे. तो ईरान शाह फायर टेम्पल के जो रास्ते हम लोग कल रात को गए थे, ये वही रास्ता है. सूरज भगवान दाहिने तरफ दस्तक देते हुए, मस्त सुबह सुबह एकदम ऑरेंज. यार कुछ तो गया आँख में. अभी ये दमन का चेक पोस्ट है, और थोड़ा सा आगे जाने के बाद विल बी इन गुजरात, और वहाँ पे फिर होता है चेकिंग. कोई दारू वारू तो दमन से लेके नहीं जा रहा है. ये भाई साहब, हम लोग एंटर कर चुके अब गुजरात. यहाँ पे चेक होता है, अगर बाई चांस आप बड़े बड़े बैग्स वगैरह कुछ लेके आओगे तो ये है गुजरात पुलिस. यहाँ से अब हम लोग आ चुके हैं ऑफिशियली इन गुजरात. और यहाँ पे भाई साहब सीसीटीवी कैमरा होना तो तगड़ा लगा के रखा हुआ है, और उत्पल इंडिकेटर दे के आगे आगे भगाया जा रहा है, भगाया जा रहा है, भगाया जा रहा है. सूरज की बाहों में जाते हुए और यहाँ पर उत्पल हो गया लापता. हाँ, रास्ता ऊपर था ना, ऐसे जुप करके. सो दिस इज द उदवाड़ा टाउन, या फिर उदवाड़ा सिटी बोल सकते हैं. और ये जो है वो उदवाड़ा का रेलवे स्टेशन है. पीछे अभी हमारे सामने से रेलवे ट्रेन गया, और शायद मुझे लग रहा है ऐसे कि हम रेलवे क्रॉसिंग में शायद फंस सकते हैं अभी, बिकॉज जस्ट ट्रेन गया. तो ज़्यादा देर तो लगेगा नहीं, बिकॉज तुरंत खुल भी जाएगा, बिकॉज ट्रेन निकल गया है. गुजरात पुलिस आपके स्वागत में. हाँ, खुल गया है, वी वर लकी इनफ. तो ये उदवाड़ा रेलवे स्टेशन का क्रॉसिंग है. अरे कैसे आ रहे हो भैया? अभी वो देखिए उस तरफ है रेलवे स्टेशन, और यहाँ से ट्रेन वाले भैया गए, जायब हो गया, जायब. अभी यहाँ से हम लोग लेंगे लेफ्ट और पकड़ेंगे नेशनल हाईवे. ये ऊपर से जो जा रहा है, दिस इज नेशनल हाईवे, दिस इज द नेशनल. अरे रुक जाओ अंकल, वड़ा पाव वाले खिला के भेजोगे क्या? ओ माँ की. अबे, और ये हम आ गए नेशनल हाईवे पे. अब यहाँ से बच गया 149 किलोमीटर, 2 घंटा 35 मिनट. ये बच्चे इतना खुश हो रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, मतलब हेलो 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 हेलो. वहाँ पे बच्चे हाय हेलो कर रहे हैं. बाय 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 बाय. बच्चे फाइनली ऑफलाइन स्कूल जाके बड़ा खुश हो रहे हैं. और ये सर हम लोग क्रॉस कर रहे हैं नवसारी GIDC. यहाँ से राइट जो है, यहाँ से अगर आगे से आप राइट जाओगे तो नवसारी GIDC में आ जाते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में. वी हैव कंप्लीटेड मोर देन हाफ, क्योंकि अभी 80 किलोमीटर बच गया, 9:48 अभी टाइम दिखा रहा है, 1.5 घंटे में पहुँच जाएंगे. तो देखते हैं अभी कहीं रास्ते में और आधा घंटा या फिर 10-15 मिनट, जब तक थोड़ा सा एनर्जी है, मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, रिदम जो है वो तोड़ना हम लोग नहीं चाह रहे हैं. जब भी बोर होगा, थोड़ा सा आलस होगा, भूख लगेगा, तो रुक के खा लेंगे कहीं पे. अचानक से रोड पे पूरा धूल धूल हो गया है, इतने गाड़ियाँ एक लाइन से रुके हुए हैं. सिर्फ एक गाड़ी के वजह से, पीछे एक गन्ने का शायद गाड़ी था, वो उसका कुछ टूट गया है या क्या हुआ है, वो एग्जैक्ट बीच में ही बंद पड़ गया, और लोडेड गाड़ी था तो धक्का दे के भी नहीं हटा सकते.
तो ये पूरा ट्रक ट्रैफिक एकदम कम से कम 1.5 किलोमीटर का लगा हुआ है। ये तो दमन से निकल के 120 किलोमीटर हो गया और 47 किलोमीटर रह गया हमारे होटल के लिए, और उसके बाद फिर आगे निकलेंगे। अभी जस्ट एक ब्रेक लिया है जहाँ पे थोड़ा सा चाय पीने के लिए, पानी वानी पीने के लिए। चलिए देखा जाए तो पिछवाड़ा को ठंडक देने के लिए रुका गया, और अभी यहाँ से निकलेंगे 5-10 मिनट में, और फिर काम अपना बाकी का आगे का 47 किलोमीटर कंप्लीट करना। भाई साहब ट्रैफिक एकदम लाल लाल हो गया इधर। किधर दिखा तुम्हारे को जलेबी फाफड़ा दिखा? ये होटल में पंजाबी चाइनीज कोई ढाबा टाइप का चाहिए यार, है ना? काठियावाड़ी इसमें हो सकता है क्या? नहीं, ये थोड़ा सा ये वाले होंगे, कमर्शियल हो गए होंगे। हमरे को कमर्शियल नहीं चाहिए, हमरे को टिपिकल गुजराती चाहिए, हमरे को तुमरे को करने के लिए। ये कौन सा टोल प्लाजा में आ गया भाई? इधर से चले जाए क्या भाई? आ जाओ। है प्रेसिडेंट ऑफ योर एग्जम्प्टेड डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, क्या बात है, इज्जत से पैसे मांग रहे भाई। देखा क्या, अभी नाश्ता कर लेते कहीं पे रुक के, तो जहाँ पे भी जलेबी फाफड़ा खाऊं लूँ दिखेगा हमको, वहीं पे हम बैठ के खाऊंगू। भारत पेट्रोलियम फुल करना। तो यहाँ से जो अंकलेश्वर है वो 22 किलोमीटर है, और यहाँ से भरूच अगर किसी को जाना है, भरूच आई थिंक दिल्ली जाने में लगता है, इट्स 31 किलोमीटर। तो अभी हमको शायद जो ये डेस्टिनेशन दिखा रहा है 17 किलोमीटर, ये सिर्फ अंकलेश्वर तक ही दिखा रहा है, बिकॉज़ हमने एड स्टॉप करके दो लोकेशन डाले थे, हमारा होटल और हमें जाना था अंकलेश्वर के थ्रू। तो आई थिंक ये फाइनल डेस्टिनेशन हमारा नहीं है, अंकलेश्वर क्रॉस होने के बाद ये वापस से अपडेट होगा और 1 घंटा और बढ़ेगा, ये पता नहीं था। अगर ये होता है तो हम आपको अपडेट करेंगे, आपको भी पता होना चाहिए, बिकॉज़ आज के ज़माने में हर कोई गूगल मैप यूज़ करता है। गूगल मैप एक्चुअली देखा जाए तो उसका गलती नहीं है, हमने क्या किया था वाया अंकलेश्वर डाला था, स्टॉप डाला था, तो इसने क्या किया हमको अंकलेश्वर में लाके छोड़ दिया अभी, और उसके बाद अभी रिमूव नेक्स्ट स्टॉप 1 hour 36, ये घुमा फिरा के उधर ही लेके जा रहा है भाई साहब। अरे वाया डाला था मतलब थोड़ी अंकलेश्वर में हमको आना था मेरे भाई। 67 more kilometers। अरे यार भाई, ये तो हम लोग 11:44 को पहुंचेंगे उधर, ब्रेकफास्ट के लिए रुकना है। या फिर पहुंच के उसके बाद धड़ा पहले वहां पे पूरा ये कर लेते हैं, उसके बाद हाँ, तो वही बोल रहा हूँ, हमारा जो स्लॉट है 12 से 2 के बीच वाला, अभी जल्दी जल्दी ये लो, क्या बोलते हो उसको, डिसाइड करो क्या करना है, नाश्ते के लिए रुकना है या फिर रास्ते पे ही कुछ खा के। हाँ हाँ वही बोल रहा हूँ, तो भगाते हैं थोड़ा सा, और मैं कोशिश करते कि 11:30 मतलब 15 मिनट तो भी पहले पहुँचे। अभी 11:43, नहीं बता रहा है 11:43 को पहुँचोगे, अभी 10:10। भाई साहब अभी हमारा ना लग गया है, एक्चुअली दिक्कत क्या है, अभी हमको दिखा रहा है ये हमारे होटल में 11:35 को पहुँचाएगा, और 11:35 को पहुंचाने के बाद हमारा जो स्लॉट है 12 से 2, 11:35 पहुंचाने के बाद हम सामान लोग अनलोड करेंगे, लगेज कपड़े चेंज करेंगे, फ्रेश होंगे, और उसके बाद वहां से स्टेचू ऑफ यूनिटी है वो 30 किलोमीटर, 1 घंटा वो पकड़ो। लग गई है भाई, और ऊपर से ये रास्ता यार। तो भाई साहब हमारा पहुंचने का टाइम बता रहा था 11:45, अभी टाइम हो गया 11:18। यहाँ से सरदार सरोवर डैम है 33 किलोमीटर, और लेफ्ट में वडोदरा है 60 किलोमीटर, 80 कुछ तो था, और सामने अपने देश का झंडा। क्या भगाया, मतलब हम इतना हम लोगों ने भगाया कि कम से कम 150 के स्पीड तक, 160 तक गए, तब आप इमेजिन करो कि कैसा भगाया हमने।
तो अभी 11:18 हो गया है और 10 बजे एक्चुअली होटल्स के चेकआउट हो जाते हैं, तो हमें होटल शायद चेक इन करने देना चाहिए उन्होंने। हमारा चेक इन टाइम है शायद 12 बजे, लेकिन अभी 11:20 तक 10-20-25 नींद के मारे 20-30 मिनट पहले, आधा घंटा पहले भी अगर चेक इन करने दे देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे लिए लोकेट आउट करंट कंडीशन, बिकॉज यहाँ से 30 किलोमीटर अभी हमारे होटल से 30 किलोमीटर है यूनिटी। भगाया हमने जो गाड़ी, अब इस पे तो भाई 120-130 थोड़ी जा सकते, ऑप्शन ही नहीं है अभी, इस पे तो ऐसे ही जाना पड़ेगा। गाड़ी भगाना मत, ऊपर कैमरा है, राज तिलक। सो फाइनली वी आर एट आवर थोड़ा, ये वाइट वाला जो है सामने ये हमारा होटल है। अभी गाड़ी पार्क करते हैं और फटाफट से भागते हैं। सो फाइनली पहुंच तो गया होटल में, अभी यहाँ से यूनिटी जाने को कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा। 12 बजे से 2 बजे का स्लॉट है, तो उस स्लॉट में कभी भी जा सकते हैं ना, 12 से 2 के बीच में। उसके बीच में आपको जाना, कभी भी जा सकते हैं ना, 2 के बाद आपको भी नहीं, 2 के बाद नहीं, 12 के पहले नहीं, 2 के बाद नहीं। पार्किंग नहीं है क्या? क्या? हाँ, पार्किंग किधर? होटल का पार्किंग नहीं नीचे ही है, नीचे वो ओपन पार्किंग जो है वही है, उसमें कैमरा सब लगा हुआ है, इसलिए सिक्योरिटी वाले भी रहते हैं ना, रात को कोई टेंशन नहीं है ना, सिक्योरिटी वाले रहते हैं। चेंज और निकलते हैं। यूनिटी के लिए सो वी चेंज करते और निकलते हैं। इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है बिकॉज लेट हो रहा है। इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, पुराने हो तो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये है राज तिलक होटल राजपिपला में।